तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डॉग वर्सेस डॉग के एक और एपिसोड में। और आज का एपिसोड इतना ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन डॉग ब्रीड और एक अमेरिकन डॉग ब्रीड। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर है और आप में से बहुत से लोग इंडियन डॉग ब्रीड के बारे में शायद ना जानते हो। आज हम बात करेंगे गुलटेर वर्सेस अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में। तो आइए बात करते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बारे में और जानते हैं कि दोनों डॉग ब्रीड्स की क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलटेर की हिस्ट्री के बारे में, जो कि अभिनव बताएंगे। आपने बहुत जगह ऐसी ब्रीड्स देखी होंगी जो होती हैं बुल टेरियर, पिटबुल्स या कुछ भी ऐसी, और हम सोचते हैं इंडिया की भी एक ऐसी ब्रीड होनी चाहिए जिसका नाम है गुलटेर। गुलटेर या गुल टेरियर, ये नाम कैसे आया, इसकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ, 17वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तब अपने साथ वो ओल्ड इंग्लिश बुल टेरियर्स लेके आए थे। उन ओल्ड इंग्लिश बुल टेरियर्स को जब उन्होंने इंडिया के पेरियर डॉग्स के साथ क्रॉस कराया, हाउंड्स के साथ क्रॉस कराया, तब जाके गुलटेर नाम का कुत्ता इजाद किया गया। गुलटेर एक ऐसा डॉग ब्रीड है जो बेसिकली पिंक नोज और ब्लैक नोज में आता है और कम्प्लीटली वाइट होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, बहुत अच्छा स्टैमिना होता है, डाइवर्सिफाइड होता है, ठंड में भी रह सकता है और गर्मी में भी रह सकता है। ये बेसिकली हंटिंग और कंपेनियनशिप के काम आता है। अब बात करें अमेरिकन पिटबुल टेरियर की हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर जो है, पहले उसके नाम के आगे अमेरिकन नहीं लगता था। ये डॉग ब्रीड असल में ब्रिटेन में बनाई गई थी क्रूअल स्पोर्ट्स जैसे कि बुल बेटिंग और रैटिंग के लिए, जहाँ पे ये पिट्स में बुल के नाक पकड़ के खींचते थे, उनको काटते थे। तो इन सब क्रूअल स्पोर्ट्स के लिए पिटबुल का यूज़ किया जाता था। और जब वो अमेरिका में आए वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो तब उनके नाम के आगे अमेरिकन पिटबुल टेरियर लगा, जहाँ पे ये ब्रीड डेवलप हुई। और आज जो हम पिटबुल टेरियर को जानते हैं वो अमेरिका से ही बाहर निकली है। तो अब बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर के टेम्परमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर की ब्रीड जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव और डेंजरस में फ़र्क होता है। यस, पिटबुल टेरियर्स आर डेंजरस। उनमें इतनी क्षमता है कि वो किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं, बड़े बड़े भालू या फिर लोमड़ी तक को मार गिरा सकते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं होते। यूजुअली पिटबुल टेरियर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल डॉग ब्रीड है ह्यूमंस के साथ। दूसरे एनिमल्स के लिए वो एग्रेशन दिखा सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के साथ एक बहुत ही बढ़िया डॉग ब्रीड है। हिस्ट्री में अगर हम जाए थोड़ा सा पीछे, तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में इनको नैनी डॉग का खिताब मिला था, जिसमें ये बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और जितने भी मेम्बर्स है सभी के साथ ईजिली घुल मिल जाते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से रहते थे। अब बात करते हैं गुलटेर का टेम्परामेंट। मैं पर्सनली इस डॉग से मिला हूँ, गुलटेर यहाँ पे नहीं लेकिन जम्मू में, वहाँ पे जाके मैंने देखा था। गुलटेर थी, ओपन फील्ड में रहती थी, साथ में उसका ओनर रहता था और वहीं उसके बच्चे हुए थे। मुझे आज भी याद है कि जब उनके बच्चों के पास मैं गया था, उनकी माओ ने हमें बाइट तक नहीं किया। लेकिन वहीं पे जब दूसरा कुत्ता आ गया या फिर उसी खेत में कोई गाय या फिर कोई डियर जैसा जानवर दिखा, तो वो भौंकना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली गुलटेर जो होता है उसे यूज़ किया जाता है हंटिंग के लिए, या फिर हंटिंग को मैं स्पेसिफाई करूँ बोर हंटिंग के लिए, क्योंकि जो आपके जंगली सूअर होते हैं वो फसलों को तबाह करते हैं और एक तरह से पेस्ट के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में हंटिंग बैन है, इसलिए अब कई और देशों में जाके भी गुलटेर यूज़ किए जा रहे हैं एज हंटिंग। लेकिन टेम्परामेंट में अगर बात करूँ, इट इज़ वेरी डोसाइल डॉग, बहुत अच्छा है। और उसका जो बाइट फोर्स है वो APBT या फिर स्टेफर्डशायर बुल टेरियर या पैट नोट्स बुल टेरियर, जो भी ये डॉग्स हैं, इनके जितना है, और ड्राइव उनसे कई गुना ज़्यादा। अब हम बात करेंगे ये फैमिली के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है किसी भी फैमिली के साथ इजीली कंपैटिबल हो सकती है। यहाँ तक भी सिद्धू मूसेवाले के पास भी एक गुलटेर था, लेकिन वहीं गुलटेर की दूसरी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स की बात करूं, अगर आपके घर में छोटे पेट्स हैं उनका वो ख्याल रखेगा, लेकिन अगर बाहर से कोई और डॉग आ रहा है और आपका गुलटेर ट्रेन नहीं है, ही वुड डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम एनी आउटसाइड थ्रेट, या जब तक मालिक नहीं बोलता तब तक वो आगे नहीं जाता। और एरिया इस डॉग के लिए खुला चाहिए होता है, ये खुले एरिया में रह सकता है। सेम वाइज जैसे अगर आपके पास एक मस्कुलर डॉग है, वैसे ये भी होता है।
उसको भी स्पेस चाहिए खेलने के लिए, कूदने के लिए, लेकिन अपार्टमेंट लिविंग के लिए भी ठीक है अगर आप इसे डेली वॉक्स पे लेके जा रहे हैं और वर्कआउट दे रहे हैं तो। पिटबुल टेरियर फैमिली के साथ कैसा है? अब देखो, इसके बारे में आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिटबुल टेरियर जैसी डॉग ब्रीड को घर पे ले तो आते हैं लेकिन उन्हें संभालने नहीं जानते। पिटबुल टेरियर हर किसी ओनर के लिए नहीं बना। आपको एक अलग सी लाइफस्टाइल लेनी पड़ेगी अगर आप एक्टिव है, आप एक इतने डोमिनेंट डॉग को संभालना चाहते हैं, उसके इंस्टिंक्ट को कैसे मैनेज किया जाए उसको संभालना चाहते हैं, तभी आप पिटबुल टेरियर लेकर आ सकते हैं। आप उसको एक लैबराडोर रिट्रीवर की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ्रेंडली रहेगा, सबके साथ घुल मिल के रहेगा। नहीं, पिटबुल टेरियर ऐसा नहीं है। उसको एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो कि उसके साथ अच्छी तरीके से मैनेज कर सके उसको। और जब पिटबुल टेरियर को ऐसे मालिक मिल जाते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। अपने आपके घर पे चाहे छोटे बच्चे हो या फिर दूसरे पेट्स हो या फिर बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी के साथ ही इजीली घुल मिल के रहते हैं। लेकिन हाँ, इनमें प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी होती है। अपनी फैमिली को लेके, अपने घर पे रहने वाले जो भी मेम्बर्स हैं उनको लेके प्रोटेक्टिव नेचर होता है। बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप लेके जा रहे हैं, आसपास ज़्यादा खुले लोग ना हो इधर उधर, जिससे कि वो अगर उसको कोई लगे थोड़ा सा तो वो बाइट करने चला जाए। ऐसी जगह पर मत लेके जाइए, थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग इज मस्ट, आपको काफी अच्छी तरीके से उसको सोशलाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिटबुल टेरियर के ट्रेनिंग के बारे में। तो देखो, ये डॉग्स बेसिकली हर चीज के लिए ट्रेन हो सकते हैं, चाहे वो गार्डिंग हो या फिर प्रोटेक्शन डॉग हो या फिर स्निफिंग डॉग हो या फिर कोई भी दूसरी जो आपकी नीड है, यहां तक कि थेरेपी डॉग के तौर पे भी पिटबुल टेरियर्स को यूज किया जाता है और हंटिंग के लिए भी इनको यूज किया जाता था, अभी के टाइम में भी यूज किया जाता है। तो ट्रेनिंग की अगर बात करें तो रॉटवाइलर जैसी डॉग ब्रीड से भी कहीं ज्यादा इजीली ट्रेन हो सकते हैं ये। और अगर आप पिटबुल टेरियर लेने वाले हो तो ध्यान रखना कि उन्हें बचपन से ही ट्रेन करो, क्योंकि बड़े होते होते उनको ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बचपन से ट्रेनिंग दोगे तो वो एक अच्छी लाइफ बना के जिएगा। अगर मैं गुलटेर की ट्रेनिंग की बात करूं, ये बहुत ही अच्छा डॉग होता है, इसको इजीली ट्रेन कर सकते हो। बिल्कुल आपको ट्रीट्स या किसी चीज की जरूरत नहीं है कि ट्रेन करने के लिए। इसके अंदर प्रे ड्राइव, फूड ड्राइव दोनों बहुत अच्छी होती है। मैं एक चीज मानता हूं, अगर डॉग आप ले रहे हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। डॉग बिल्ली की तरह म्याओ म्याओ नहीं करेगा। सो मेक श्योर इफ यू आर गेटिंग अ गुलटेर और एनी डॉग लाइक हिम, गुलटेर हमेशा से प्रोटेक्टिव रहे, वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके फैमिली के लिए हर काम करके देगा वो। जैसे कि आपको बच्चों को प्यार करना, उनके साथ खेलना, हर चीज़ उसको, उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। इट्स अ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग ब्रीड, वैसे ही रखिए, मैं यही कहूँगा। अगर मैं बात करता हूँ कि गुलटेर कहाँ मिल सकते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा आपको कि कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पिटबुल्स के साथ मिक्स करके या बुल टेरियर्स के साथ मिक्स करके इनको हर जगह बेच रहे हैं, जो कि ईजिली 5,000-6,000 का पपी आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको रियल गुलटेर चाहिए, यू नीड टू गो टू हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड के कुछ हिस्से, जहाँ पे ये डॉग ब्रीड्स यूज किए जा रहे हैं टू रिमूव द पेस्ट वाइल्ड लाइफ। अब पिटबुल टेरियर्स की बात करें कि इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, तो देखो, आपको बहुत से ऐसे ब्रीडर्स मिल जाएंगे अपने घर के आसपास ही, पेट शॉप्स वगैरह में अगर आप पता करने जाओगे तो वो भी आपको बता देंगे। लेकिन आजकल काफ़ी सारे ऐसे पिटबुल टेरियर्स हैं जिनकी लाइन जो है प्योर नहीं है, वो मिक्स ब्रीड होके आते हैं, कि कोई बुली के साथ, कोई अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर के साथ, कोई बुल टेरियर के साथ। तो प्योर अमेरिकन पिटबुल टेरियर ढूंढना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पेट डॉग की तरह लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सी जगह पे मिल जाएगा। अब हम जानते हैं इन डॉग्स के हेल्थ के बारे में। तो देखो, वैसे तो यूजुअली ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक होती है, भाग दौड़ करना बहुत पसंद होता है, मस्कुलर डॉग ब्रीड है। अब लेके इसको जॉगिंग के लिए जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, बाहर दौड़ने के लिए लेके इसको जा सकते हो, तो सब चीज ये कर सकती है। लेकिन एक ही चीज है इसमें, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उसकी वजह से इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दूसरी चीजें जो है नॉर्मल डॉग को होती है, किडनी में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, उस जैसी बीमारियां डॉग्स को आ सकती है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, गुलटेर जो है बहुत हेल्दी ब्रीड है। इसके अंदर जो पिंक नोज वर्जन आता है उसके अंदर कई बार डेफनेस आ सकता है, क्योंकि वो एक एल्बाइनो ब्रीड है। एल्बाइनो ब्रीड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि डालमेशियन के कुछ बच्चे जो होते हैं वो भी बहरे पैदा होते हैं, कुछ हार्लेक्विन ग्रेट डेन्स है उनके अंदर भी ये दिक्कत आती है, या वाइट डोमेंस या वाइट शेपर्ड्स,
बेसिकली जो वाइट जेनेटिक्स के साथ जो पैदा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं या फिर उनके अंदर ब्लैक जीन नहीं होता, उनके अंदर डेफनेस का इशू रहता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि डेफनेस ना हो, और वरना इस डॉग ब्रीड में कोई और हेल्थ इशू नहीं है, बहुत हेल्दी ब्रीड है। बस खिला खिला के मोटा मत करना और इसके अंदर ओबेसिटी ना लाना। अगर ग्रूमिंग की बात करें, ग्रूमिंग के अंदर इस डॉग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, ब्रश कर दो, नहला दो, ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर प्रिकॉशन इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल का इसे एक रब दीजिए इसके नोज़ पॉज, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छी ब्रीड होती है लेकिन सॉफ्ट भी होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये एल्बाइनो ब्रीड है। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि सन से इसे बचा के रखना है, ज़्यादा सन में निकालना, लेकिन बर्फ़ में खेल सकता है, हर जगह जा सकता है ये, और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता है फार्म पे रह के भी। पिटबुल टेरियर की अगर ग्रूमिंग की बात करें तो इनका बेसिकली शॉर्ट कोट होता है जिससे ज़्यादा ब्रशिंग या फिर रेगुलर बात की ज़रूरत नहीं होती। हफ्ते में अगर आप एक बार उसको ब्रश कर दे, जो लूज हेयर्स है उसको रिमूव कर दे, तो उसका कोट काफ़ी अच्छा शाइनी रहेगा। और इसके अलावा नहलाने की बात करें तो आप हफ्ते में उसको एक बार नहला सकते हो, या फिर ठंड के टाइम में अगर बात करें तो महीने में दो बार नहला दो, बस उतना काफ़ी है। इसके अलावा ग्रूमिंग के लिए और ज़्यादा नीड नहीं है, बहुत ही ईजी टू ग्रूम डॉग्स होते ये। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन यही बताऊंगा कि पिटबुल टेरियर एक ऐसी ब्रीड है जिसको लेने के लिए आपको खुद को पहले रेडी करना पड़ेगा, शो ऑफ के लिए मत लेके आइए। बहुत ही इजी टू ट्रेन डॉग्स है, काफ़ी प्रोटेक्टिव है, गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स भी होती है इसमें। इसके अलावा आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि आपका डॉग अच्छे से सोशलाइज हो और अच्छी तरीके से आप उसको ट्रेनिंग दे, तभी वो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएगा। अगर मैं बात करूँ गुलटेर की, एक ऐसी ब्रीड है जो फैमिली को बहुत प्यार करती है, इंट्रूडर से आपको प्रोटेक्ट करेगी। कहने को तो हम हर ब्रीड को कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि हम इंसान हर चीज़ पे मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मेहनती हैं और एक डॉग को प्यार दे सकते हैं, गुलटेर इज़ अ ब्रीड फॉर यू। इंडियन है और लेके आओ अपने घर, आपको किसी और डॉग ब्रीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।